कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल पर जमकर तीखे प्रहार किए गए, यहां तक कि उन्हें भगौड़े तक की संज्ञा दे दी गई और कहा कि वह विकट परिस्थितियों से दो चार नहीं होते बल्कि वहां से फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अपहरण के बाद छात्र की हुई हत्या को लेकर भाजपा नेताओं के नकारात्मक रवैये और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह का रवैया प्रदर्शनकारियों के प्रति पुलिस का रहा है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को भगौड़ा घोषित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर ने कहा कि सोलन में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। सोलन में धरना प्रदर्शन चल रहा था लेकिन मंत्री जी कार्यक्रम में व्यस्त थे, यहां तक कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी वह सड़क का रूट बदलकर वह सोलन से निकल भागे। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर एबीवीपी के प्रदेश संयोजक भी खुद कल के प्रदर्शन को लीड गए थे और वह प्रदर्शनकारियों को भड़काने में लगे हुए थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सोलन में हुए हत्याकांड को लेकर भाजपा और उनकी सहयोगी इकाइयां राजनीतिक रोटियां ही सेकने में लगी हुई हैं, जो निंदनीय है। पिछले दो तीन जो वाकयात हुए हैं शहर और शहर के बाहर, वहां पे मंत्री जी ने अपने दायित्व तो नहीं निभाया। कल जिस टाइम ये वाकया ओल्ड डीसी ऑफिस के पास हुआ तो वो पूरे पूर्ण रूप से फोटो ग्राउंड में फंक्शन में बैठे हुए थे और भी आला अफसर उनके साथ जो थे और उनके बीजेपी के कई नेता वहां थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो आ जाते तो शायद ये जो उग्र रूप इस प्रदर्शन ने लिया वो शायद उतना उग्र ना होता और शांतिपूर्वक तरीके से इसको निपटाया जा सकता। कि एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन को जो है इन्होंने खराब किया और लोगों को जो है मुश्किल में डाला। भगौड़ा तो है ही, अगर मैं अपनी जिम्मेवारी से भागूंगा तो मुझे लोग भगौड़ा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो वही मैं भी उनसे कह रहा हूँ कि अपने दायित्व को समझें, पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका दायित्व जो है एक मंत्री के रूप में वहां पे आना आपका अनिवार्य था और मौत को जो माहौल को जो था वो शांत करना आपका पहला दायित्व बनता था। पर कारण तो वही जानेंगे कि वो उस मौके से क्यों भागे और जो है माहौल खराब हुआ।